लोमड़ी और सारस। एक बार एक जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। जंगल के सभी प्राणियों से मजाक मस्ती करने की उसकी आदत थी। एक दिन उसने सारस से मजाक करने का सोचा। उसने सारस को खाना खाने के लिए अपने घर में बुलाया। सारस बहुत खुश हुआ और उसने लोमड़ी का आमंत्रण स्वीकार किया। लोमड़ी ने खाना बनाया और उसे उसने एक समतल थाली में परोसा। लोमड़ी को पता था कि सारस ऐसे बर्तन से खा नहीं सकता। लोमड़ी ने सारस से कहा, चलो खाना शुरू करते हैं। और वह खाने लगा। उसने सारस की तरफ देखा और कहा, खाना कितना स्वादिष्ट है ना, तुम्हें अच्छा लगा ना। बेचारा सारस सिर्फ उस खाने को सूंघ सकता था। उसकी लंबी चोंच की वजह से वह समतल बर्तन में परोसे खाने को नहीं खा सकता था। वह बहुत उदास हो गया। उसे समझ में आ गया कि लोमड़ी उसे चिढ़ा रही है। सारस ने बहुत उदास नजरों से उसी लोमड़ी को देखा जो बहुत चाव से खाना खा रही थी। तभी उसने तय किया कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। अब सारस ने लोमड़ी को खाना खाने के लिए बुलाया। सारस ने भी अच्छा खाना बनाया और उसने उस खाने को सुराही में परोसा, जिसका मुंह बहुत छोटा था, लेकिन सारस ने बहुत मजे से सुराही वाले बर्तन से खाना खाया। लोमड़ी बस सारस को खाना खाते देखती रह गई। सारस ने कहा, कितना अच्छा खाना है ना, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया है। शर्माओ मत, तुम्हें जितना चाहिए उतना खाओ। लोमड़ी को तब समझ में आया कि सारस ने भी उसके साथ वैसा ही मजाक किया जैसा उसने सारस के साथ किया। सीख, जैसे को तैसा।